अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिक टॉक्स। आज पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का पहला T20 शाम को 7 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक खेला जाना है। और एक अच्छी खबर यूँ है कि शर्जील खान को खिलाया खिलाया जाएगा बिल आखिर, और ओपन शर्जील खान रिजवान के साथ करेंगे और बाबर आजम जो है वो तीसरे नंबर पे आएंगे। और बॉलिंग डिपार्टमेंट पे भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस करने का प्लान किया गया है। और फिर हाल ये कहा गया है कि जी मोहम्मद वसीम जूनियर जो है उसको खिलाने का प्लान है, उसका डेब्यू करवाएंगे। तो अब देखते हैं कि इन दो चेंजेस से क्या परफॉर्मेंस रहती है। मोहम्मद वसीम की तो जो इनके कहते हैं कि PSL के छठा जेशन जो है लास्ट ईयर इस साल वाला जो है वो उसमें उसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस रही है, तो इस वजह से उसको T20 में शामिल किया गया था वेस्ट इंडीज़ के लिए। और उसको जो है वो आज अंदर की खबरें यही हैं कि उसको खिलाना है जा रहे हैं, उसका डेब्यू करवाएंगे और देखते हैं कि कैसी परफॉर्मेंस रहती है। क्योंकि अगर देखा जाए ऑन रिकॉर्ड हेड टू हेड देखा जाए तो पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 14 मैचेस जीत खेले T20s और 11 जो हैं वो पाकिस्तान ने जीते हैं, 3 जीते हैं वेस्ट इंडीज़ ने, जिसमें से 7 जो हैं वो वेस्ट इंडीज़ में हुए हैं और उसमें से भी 5 जो हैं वो पाकिस्तान ने जीते हैं और 2 जो हैं इन्होंने वेस्ट इंडीज़ ने जीते हैं। लेकिन अब देखें करंट फॉर्म जो है वो वेस्ट इंडीज़ की काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बेहतर टीम अब उनकी है, उसमें वो एवन लुइस भी काफ़ी तगड़ा है, फिर हिटमायर है, क्रिस गेल किसी भी दिन चल सकता है। और उसके अलावा DJ ब्रावो एज यूजुअल वो थमने का नाम नहीं ले रहा, क्रिस गेल नहीं ले रहा तो डिवेन ब्रावो कहाँ लेगा। उसके अलावा वॉल्श जूनियर जो है उनका बॉलर, उसकी भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है लास्ट सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, तो वो भी एक टॉपिक में है। और ख़तरा जो मेरे लिहाज से जो बन सकता है वो DJ ब्रावो दोनों बैटिंग और बॉलिंग में, और इधर से अपना क्रिस गेल चल गया तो फिर काफ़ी ज़्यादा ख़तरा। और देखते हैं, मेरा तो ख्याल है कि पिच को देखते हुए अगर देखा जाए तो बैटिंग ज़ाहिर आपकी जो स्ट्रॉन्ग चीज़ है जो उसको आप फोकियत दें तो आप बैटिंग पहले करें और 200-225 का टारगेट सेट करके तो फिर आप बॉलर्स को कहेंगे डिफेंड करें, और जो कि वो कर भी लेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है गिवन डे के ऊपर। बस अब मैच का इंतज़ार करते हैं, देखते हैं आज पाकिस्तान की कैसी परफॉर्मेंस रहती है। तो कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी पोस्ट मैच के एनालिसिस पे। और पाकिस्तान जिंदाबाद, अपना ख्याल रखिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।